मेरी मातृभाषा मराठी है। यहाँ उपस्थित गीता मैम जी, रानी मैम जी, शेफाली जी और गेस्ट लेक्चरर सुरेंद्र जी तथा मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी दो प्रतिक्रियाएं यहाँ व्यक्त हुई, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और मेरी जो बात है वो बात मैं मेरी कविता में आखिर में बताऊँगा। उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ 7 दिन में हमें जो मिला वो इतना अच्छा था कि उसको लफ्ज़ों में हम बयां नहीं कर सकते। इसके पहले हमने चार कोर्स किए, एक ओरिएंटेशन और 3 रिफ्रेशर कोर्स किए, लेकिन ये जो 7 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ, अभी मेरे 44 साल की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया और बेहतर कोर्स मुझे यह, जहाँ कोई भी औपचारिकता नहीं मिली, फूलों की मालाओं से स्वागत करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई प्रस्तावना लेकर 10-10 मिनट बर्बाद नहीं करवाए, और ये इनका स्वागत करेंगे वो उनका स्वागत करेंगे बोलकर 10-10-20 मिनट बर्बाद नहीं किए, ये सबसे बढ़िया बात मुझे इस हरियाणा के कॉलेज ये यूनिवर्सिटी की है। सीधा प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट, टू द, ये जो बढ़िया मिला 7 दिन में, प्लीज और मत बोलिए, ये कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट है, जो काम की बात है वही हमको मिली। वी स्टार्टेड द कोर्स विद एकेडमिक अप्रोच रादर देन यू नो विद, जो सूत्र संचरण करने वाले हैं अभी जो रानी मैम जी है, चाहे तो 10-10 मिनट ले सकती थी हर एक प्रोग्राम में, हर एक व्याख्यान में, लेकिन उन्होंने कोई भी इंटरप्शन नहीं किया बीच-बीच में। और जो अपना गेस्ट आया है वो पूरे अपने गेस्ट को यहाँ बोलने का मौका दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात मेरे लाइफ में मुझे यहाँ दिखी हरियाणा के इस महिला BPS महिला यूनिवर्सिटी में, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये मेरी जो लाइन है ये ऐसी है कि अब क्या ये कोर्स में क्या हुआ या मैं बातें अब दोबारा से दोहराना नहीं चाहूँगा, दोबारा ये लाइन में बताता हूँ ये अपने कविता में। गीता जी की शांत मुद्रा, गीता जी की शांत मुद्रा, गले की रुद्राक्ष माला और भाल पर उभरता हुआ गंध, प्रसन्नता फैलाता है आपका भाग। जो कविता यहाँ आखिरी में, मैं और टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, सीधा मैं कविता पर आता हूँ। मैंने सब कविताएं मराठी में लिखी है, मेरी जिंदगी की ये पहली कविता है जो मैंने आज हिंदी में लिखी है, जो जैसी भी है उसके शब्द या लफ्ज बोलेंगे अपन उसको तो कुछ गलत हुए तो आप थोड़े सीधे कर लेना। हरियाणा की हरियाली मन को छू गई, हरियाणा की हरियाली मन को छू गई, समतल भूमि की गेहूं की फसलें दिल को भा गई, समतल भूमि की गेहूं की फसलें दिल को भा गई, गगन को छूते ऊंचे पेड़, गगन को छूते ऊंचे पेड़, जहां देखो वहां हरियाली ही हरियाली। मराठवाड़ा में सूखा ही सूखा था और आंखों में आंसू आते थे, मगर हरियाणा में सुनसान रास्ता अंधेरी रात, जिस दिन हम भाए उस दिन का अनुभव है, सुनसान रास्ता अंधेरी रात, कोई बंदा किसी से करता नहीं बात, देहातों से गुजरते हुए आ रहे थे और खाटों पर बैठे 5-6 बंदे हुक्का खींच रहे थे खाटों पर बैठे 5 बंदे हुक्का खींच रहे थे अंधेरी रात में। फुल सिंह भक्त फुल सिंह के नाम की आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एवं महिला विश्वविद्यालय की हरी पाटियां चमक रही थी, बहुत सारी भैंसी बकरियां
बड़े बड़े वाड़े गोबर की गौरिया और कंबल लपेटे हुए बंदे देख रहे थे हम आँख खोलकर, देख रहे थे हम आँख खोलकर, कहीं कहीं पर बाकी सुनसान था रास्ता, जलती हुई बत्तियां झलक रही थी खिड़कियों से। हम इतनी देर राह देखते रहे कि कब यूनिवर्सिटी आएंगी, कब आएंगी, तो आज पीछे देखा तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आती थी, आगे देखा तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आती थी। और सुनसान 9 बजे का टाइम था रात का, हम जहाँ आए यहाँ 9 बजे का टाइम था, सिर्फ हम चले आ रहे थे, दोनों तरफ पानी के पाट थे और हम उन बीच रास्ते से गुजर रहे थे। तो बड़े बड़े एक मिनट सॉरी बाकी सुनसान था रास्ता, जलती हुई बत्तियां झलक रही थी खिड़कियों से, रास्ते खिल उठे थे, झगमगा रहे थे, हम भी खिल उठे जब विश्वविद्यालय की इस जमीन पर पाँव रखा, तब हमारे जान में जान आ गया कि चलो भाई हमें कुछ भी नहीं हुआ और हम पहुंच गए अच्छी तरह से जान में। और ये जो यहाँ की जो रौनक देखी तो सही में ऐसा लगा गौर से, हम की प्रसन्न हुए मन से। तो जब विश्वविद्यालय की जमीन पर पाँव रखा, यहाँ की ऊंची ऊंची इमारत देख, खिलते हुए फूल देखे, रानी जी और शेफाली जी की बातें चीनी जैसी मीठी थी। रानी और शेफाली की बातें चीनी जैसी मीठी थी, उनमें कोई अहंकार न था, पाव उनके जमीन पर थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे। बहुत क्या करने आए थे, क्या हमें मिल गया, क्या करने आए थे, क्या हमें मिल गया, इन 7 दिनों में आपने घर को भुला दिया। मतलब ऐसा यहाँ माहौल मिला हमें, छोटी छोटी बातें मिली यहाँ, ये जो सॉफ्टवेयर सब उन्होंने दिए ना, जो छोटी छोटी बातें मिले यहाँ, जिंदगी भर ना सीख पाते ICT की जिंदगी मिली यहाँ, वरना हम अंधेरे ही चलते रहते। ICT की जिंदगी मिले यहाँ, वरना हम अंधेरे ही चलते रहते, वही घिसी पिटी पुरानी बातें बच्चों को बताते रहते। चंद सूरज की किरणें मिली यहाँ, आखिरी कुछ लाइनें, चंद सूरज की किरणें मिली यहाँ, हम खिलखिलाते रहे, यहाँ सांस मिला हमें, यहाँ सांस मिला हमें, हम पीकर जीकर जा रहे हैं, खोया तो कुछ भी नहीं, सब लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद।